मॉर्निंग क्लास 5 की एक्सरसाइज आप पढ़ रहे थे कल, तो कल हमने कुछ आपको अलजेब्रा के बारे में बताया था, प्लस माइनस भी बताया और इस तरह से कुछ सवाल भी कराए थे, जैसे 4 तक भी हमने कराए थे, किस प्रकार से प्लस करते किस प्रकार से माइनस करते हैं। भी आपको दो मेथड बताए थे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, प्लस का और माइनस का। तो आप अब 5th और 6th में आपको देखना है कि इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड है कि वर्टिकल, ये वर्टिकल से लगे हैं तो आपको वर्टिकल से ही सॉल्व करना पड़ेगा, इतना याद है। जैसे हम एक फिश का सी वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला, जिसमें आप वर्टिकल है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर माइनस होता तो साइन चेंज करते, तो हम जैसे यहां पर प्लस का 3 प्लस का 1, तो प्लस का ही हमारा 4i2, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस के 2 माइनस का 1, तो 1 रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का x2। अब ना देखो, एक माइनस है और ये प्लस, तो वन में से बन गया, कुछ नहीं, आपका जवाब खत्म हो गया। तो ये वर्टिकल मेथड से था, ओरिएंटल में होता वो भी अलग है। अब ऐसे ही माइनस है, जरा माइनस को आप देखेंगे ध्यान से, जैसे ये चीज़ें, अब कह दिया माइनस करिए, तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये नीचे वाले नंबर है इसके साइन को पलटना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब जैसे ही प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस था प्लस, अब तुम देखो 5 प्लस का 3 भी प्लस का ही हो गया, तो प्लस का 8x2। अब 7 प्लस का है लेकिन ये माइनस का हो गया, तो 7x2 माइनस कर दो, 5y2। आपको सिर्फ माइनस वाले में इतना ध्यान रखना है कि साइन को कन्वर्ट करना होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब 7 क्वेश्चन है, द सम ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, अब ये नीचे पॉलीनोमियल दिए गए हैं उनको प्लस करना है, और डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल और जो डिफरेंस भी माइनस भी करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, तो -5x+9 और यस, ये 7 क्वेश्चन के बारे में चल रही बात, और x+3, तो ये दो ग्रुप है, इसको ही प्लस करना है, इसको ही माइनस करना है, तो हम क्या करते हैं, -5x+9 और 2x+3, तो हम इसको प्लस, अब -5x+9 2x+3, अब इसको ही माइनस, तो हम इसको सम कर रहे हैं, यहां पर लिख सकते हो सम और यहां पर लिख दो सब करें, ठीक है, सब कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगी, प्लस का 12 हो गया, अब माइनस का 5 प्लस का 2, तो हमारा माइनस का 3x। जब यहां गए सब्ट्रैक्ट में तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, अब 9 में से हम माइनस 3 कर सकते हैं, तो प्लस का 6 बचा, इधर -5 है -2 है, तो हमारा 7x-3। तो इस तरह से आपको 7 क्वेश्चन करना है।
अब आठवें क्वेश्चन में है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट करो सेकंड पॉलिनोमियल को किसे फर्स्ट में से, जैसे किसमें से फ्रॉम द फर्स्ट, इस फर्स्ट में से माइनस करना है, तो ये नंबर से आपको ये नंबर माइनस करना है, तो हमें 5n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर देना होगा। अब आप सोच रहे हैं चलो नहीं करें छोड़ दें, जैसे कि आप देखें क्योंकि इसको भी तो लाना है, तो माइनस 5n स्क्वायर ये प्लस का 6n है, पीछे बनाना आपका एन इस। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है वो मैं आपको बता दें, एन स्क्वायर के नीचे ही एन स्क्वायर आना चाहिए, ये नहीं है कि आप एन स्क्वायर यहां लगाए तो एन स्क्वायर यहां लिख दें, या एम एन है तो एम एन को उसके नीचे लिख दें, तो नहीं होगा। अब इसको माइनस करें तो माइनस करते हैं तो साइन के ऊपर डा मारेंगे, तो माइनस लिखे प्लस, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस, अब माइनस फोर माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर, अब ये जो प्लस का था तो माइनस का हो गया सेवन, और ये प्लस का हो गया तो फाइव बाई टेन एम स्क्वायर, ये चीज आपकी बनी है। अलजेब्रा में आपको इतना याद रखना है साइन पर विशेष ध्यान रखिए, अगर साइन आपका हो गया गलत पूरा सवाल आपका गलत कर दिया। ऐसे ही अगले सिंप्लीफाई है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 माइनस 7x, जैसे 9 क्वेश्चन का है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, पहला प्रूफ था ये हमारा, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और तीसरा 3 माइनस 7x, ये तीन ग्रुप है, तीनों ग्रुप को आपको करना है। आपको आप तीनों ग्रुप को लिख सकते हैं, इस मैटर में भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल में भी कर सकते हैं, लेकिन करें कैसे ग्रुप, हम तीनों को वर्टिकल में लिख रहे हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अब इस नंबर को प्लस करना है तो इसके एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है नंबर रहेगा है तो नंबर, अब माइनस करना है इसको इस 3x, तो इसके साइन को कन्वर्ट पहले कर दीजिए, माइनस का है तो माइनस का 3 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7x, साइन ऑटोमेटिक आपके चेंज हो गए। अब उठा दीजिए प्लस कर दीजिए, 4 प्लस का 6 प्लस का माइनस का 3, तो 4 और 6 10 हो गए, 10 में से आप 3 माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस का 7 हो चुका, बड़ी संख्या प्लस की है, अब 7 5 12x हो गए और 3 4x स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितने नंबर आ गए। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, कल इसके आगे के फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं, तो जो लोग कैसे चलते हैं वो आपको पढ़ते हैं।